गाइस वेलकम बैक माय ब्लॉग चैनल। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना बढ़िया नज़ारा है। मार्च का महीना है तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। तो देख सकते हैं गेहूं और सरसों की खेती हो रखी है। तो पीछे ये बांस हैं लंबे लंबे। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में लास्ट तक। और चलिए अब दिखाते हैं आपको यहाँ का नज़ारा। तो गाइस आज 10 तारीख है, 10 मार्च। तो आज सीएम के इलेक्शन का परिणाम आने वाला है। पता नहीं कौन जीतेगा, वो तो बाद में ही पता लग जाएगा सबको। तो मैं ब्लॉग में आज आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ जो आम का पेड़ है उस पे जो आम का फूल है जिसे हम मोहर कहते हैं। हमारे इधर तो मोहर कहते हैं, आपके इधर क्या कहते हैं कमेंट में बताइएगा। और चलिए आपको वो दिखाते हैं यहाँ का जो फूल आया हुआ है कैसा है और इस मार्च के महीने में आता है वो। तो गाइस इन पेड़ों पर अभी मोहर नहीं आया हुआ है, आम के पेड़ यही हैं और इन पे अभी काफ़ी फुल तरह से मोहर नहीं आया हुआ है। अब चलते हैं, आपको हम अपने बाग में दिखाते हैं। मेरे बाग में अच्छे से आ गया है, तो चलिए चलते हैं वहाँ पे। सरसों की खेती ये रही, सरसों की खेती कितनी मस्त है। ये देखिए सामने है मेरा बाग जिसमें 3 ही पेड़ रह गए हैं आम के, और चौथा एक पेड़ था वो यार आंधी में टूट गया। ये देखिए सरसों की खेती कितनी मस्त हो रही है, वो अभी भी पड़ा है पेड़ आम का। ये पेड़ है अभी पड़ा हुआ कितने दिनों से। ये है मेरा बाग गाइस, ये छोटा सा बाग है मेरा, बस अपने खाने के लिए आम हो जाते हैं बस और कुछ नहीं। आ चुके हैं अपने बाग में और अब आपको दिखाएंगे यहाँ का जो आम का फूल होता है, जो आम के आने से पहले होता है तभी उस पे आम आते हैं। जिस पेड़ पे वो होता है फूल तभी आते हैं उस पे आम और उसे हम मोहर कहते हैं। तो आपको चलिए दिखाते हैं वो। देखिए वो ऊपर पीला पीला वो कितना लगा हुआ है, आपको करीब से भी दिखाएंगे अभी। करीब से चलो दिखाते हैं। तो गाइस ये है फूल, इसी के बाद आते हैं आम। ये आम के पेड़ पे है आम का फूल, अब इसके बाद आएंगे आम इस पे। तब तो आज आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। आपको अगर अच्छी लगी हमारी वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने छोटे भाई विशाल को सपोर्ट बनाए रखें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।